आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 581वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम फिलहाल अभी खड़े हुए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का खेल का मैदान हमारे पीछे दिख रहा होगा, और पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान के पास हम खड़े हुए हैं। यहाँ आपको नाली खुदी हुई दिख रही होगी, यहाँ देखिए नाली खुदी हुई है और पूरा यहाँ से वहाँ तक बीच में आवारा मवेशी भी दिख रहे होंगे। आवारा मवेशियों को आप देखिए, और यहाँ ये पीछे दिख रहा है नाली खुदी हुई। पूरे ग्राउंड का हम चक्कर लगाते हैं, आपको बताते हैं, आपको हम आगे लेकर चलते हैं। शहर का पॉलिटेक्निक मैदान हम आपको दिखा रहे हैं, पॉलिटेक्निक मैदान। यहाँ देखिए पन्नी बिछी हुई है, नाली खुदी हुई आपको दिख रही होगी, लगभग 1 फीट से ज़्यादा गहराई वाली नाली मैदान के बीचों बीच दो जगह खींची गई है। इसे पूरा यू शेप में नाली को बनाया गया है, पूरा हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ से ले जाकर। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज का खेल का मैदान गैर शैक्षणिक गतिविधियों का अड्डा बनकर रह गया है। जब भी कोई कार्यक्रम होना होता है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको हम दिखाते हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ये पन्नी बिछी हुई और नाली खुदी हुई आपको दिख रही होगी। कोई भी गतिविधि यहाँ होती है गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, वैसे तो खेल के मैदान दिए जाने के लिए राज्य शासन से ही प्रतिबंध है, पर उस सब के बाद भी सिवनी में पता नहीं खेल के मैदानों के साथ क्यों इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिट्टी भी पड़ी हुई दिख रही होगी, अगर खिलाड़ियाँ खेलेंगे गिरेंगे तो गिट्टी उन्हें गड़ सकती है, चोटिल हो सकते हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ भी हम दिखाते हैं कचरा पड़ा हुआ है, प्रतिबंधित पॉलीथिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, डिस्पोजेबल ग्लास और प्रतिबंधित पॉलीथिन सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हाल ही में 17 सितंबर रविवार को एक आयोजन समाप्त हुआ, और आयोजन समाप्त होने के बाद इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को मूल स्वरूप में वापस नहीं लाया गया है। बहुत ही दुख की बात है, खिलाड़ी आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। सुबह सवेरे यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं और वे खेलना चाहते हैं। वैसे भी खेल के मैदानों का अभाव सिवनी में साफ तौर पर दिखाई देता है। सिवनी का एक स्टेडियम है, स्टेडियम को फुटबॉल के लिए आरक्षित अघोषित तौर पर कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर सुबह जो खिलाड़ी आ रहे हैं, वे खिलाड़ी पन्नी यहाँ पर जो पन्नी बिछी हुई है उस पन्नी को हटा रहे हैं, और पन्नी जैसे ही हटाते हैं बहुत ही दुर्गंध, तीव्र दुर्गंध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नीचे जमीन पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं पड़ी हुई चीज़ें सड़ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रतिबंधित पॉलीथिन किस तरह से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर गिट्टी डाली हुई है, बजरी आपको डली हुई दिख रही होगी, इसमें अगर खिलाड़ी गिरेंगे तो खिलाड़ी चोटिल हुए बिना उन्हें चोट लगेगी, ये तय है। इस सब के बाद भी जिले के दो सांसद, चूंकि जिला मुख्यालय का मामला है, जिले के दो सांसद मौन हैं, चारों विधायक मौन हैं, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे मौन हैं, नगर मंडल के दोनों अध्यक्ष संजय सोनी अभिषेक दुबे मौन हैं, विपक्ष में बैठी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना सदा की तरह मौन है, नगर अध्यक्ष इमरान पटेल सदा की तरह मौन है। ये देखिए नाली खुदी हुई आपको दिख रही होगी, नाली के ऊपर पॉलीथिन भी डली दिख रही होगी, ये पॉलीथिन हटाई नहीं गई है, मैदान में बीचों बीच दो जगह गड्ढे खोदे गए हैं, जेसीबी की मदद से ये गड्ढे खोदे गए हैं। यक्ष प्रश्न यही है कि पॉलिटेक्निक के प्राचार्य आखिर अपने जबड़े क्यों बीचे हुए हैं, वे बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, सदा की तरह वे भी पूरी तरह मौन ही धारित किए हुए प्रतीत हो रहे हैं। पूरे मैदान का सत्यानाश हो चुका है, गिट्टी जगह जगह बगरी आपको दिखाई दे रही होगी। दरअसल बरसात में अगर कोई आयोजन आपको करना है तो बरसात की, ये देखिए यहाँ पर भी प्रतिबंधित पॉलीथिन पड़ी हुई दिख रही होगी और बीचों बीच आपको नाली खुदी हुई दिखाई दे रही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला का एक खेल का मैदान है जहाँ पर ये प्राचार्य
का निवास। देखिए प्राचार्य का निवास इस मैदान के ठीक सामने, और ये जो गर्ल्स हॉस्टल का आपको सामने गार्ड रूम हमने आपको दिखाया, ये प्राचार्य का निवास आप देख रहे हैं। प्राचार्य के निवास के सामने पॉलिटेक्निक के, प्राचार्य के निवास के सामने पॉलिटेक्निक के खेल के मैदान की दुर्दशा है। प्रभारी प्राचार्य हैं, वे कुछ बोलने की स्थिति में शायद नहीं हैं, पता नहीं क्यों वे अपने जबड़े भींचे हुए हैं, उन वे बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, ये बात समझ से परे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। मैं जदों के लिए शाम ढलते ही ये मुफीद जगह होती है, जहां बैठकर यहां पर लोग शराब पिया करते हैं। और ये देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, गिट्टी डली है और गिट्टी के ऊपर आपको शराब की एक बोतल फूटी हुई दिखाई दे जाएगी। वास्तव में ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और चारों तरफ प्रतिबंधित पॉलिथीन दिखाई दे रही, नगरपालिका परिषद क्या कर रही है पता नहीं। यहाँ पीछे एक मराही माता का मंदिर है, मराही माता का मंदिर और कपीश्वर हनुमान मंदिर है, जहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु यहाँ से होकर जाया करते थे, पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का बहाना बताकर वहाँ बाउंड्री वॉल खींच दी गई है, पर बाकी सारे के सारे गेट खुले रखे जाते हैं। प्राचार्य निवास के सामने सुरक्षाकर्मी बैठकर निवास की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको हम एक बार फिर दिखा रहे हैं, पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में किस तरह से नाली खुदी हुई है, पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज के इस खेल के मैदान को। खेल के अलावा गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इसे नहीं दिया जाना चाहिए, पर गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस मैदान को दिया जाता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा हम आपको चक्कर लगाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान का सत्यानाश किया गया है। दरअसल होना ये चाहिए, जानकार यही बता रहे हैं कि प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य और जनभागीदारी समिति को चाहिए कि जो भी आयोजक थे उन आयोजकों से, ये देखिए यहाँ पर आपको प्रतिबंधित पॉलिथीन ध्वज के रूप में, एक झंडे के रूप में यहाँ पर टंगी हुई दिखाई दे रही होगी। वास्तव में ये क्या, इसको क्या कहा जाएगा, कुछ भी कहना यहाँ पर मुनासिब नहीं। अपनी सेहत के लिए सतर्क रहने वाले सुबह सुबह जो खेलना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, वे पॉलिटेक्निक जरूर जाते हैं, और पॉलिटेक्निक कॉलेज का खेल का मैदान उनके लिए वरदान से कम नहीं है। इस सब के बाद भी यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, वो वास्तव में चिंता की बात है। आने वाली पीढ़ी, लोगों का यही कहना है कि आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर हमें माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। सवेरे सवेरे यहाँ पर, रात का समय हो या सुबह, यहाँ मस्जिदों की संख्या भी देखते बनती है। लोग यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं, शराब पीने के साथ ही यहाँ कई तरह की अनैतिक गतिविधियाँ भी होती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार इन चीज़ों को दिखाए जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कदम नहीं उठाया जाना अपने आप में अनेक सवाल या निशान खड़े करता है। ये जो हरे रंग के आपको झाड़ दिख रहे होंगे, इसके ठीक पीछे गर्ल्स हॉस्टल है, और गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के लिए प्राचार्य को, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। गिट्टी इस तरह डाली गई है मानो यहाँ सड़क बनने वाली हो। जानकारों का कहना है कि इस तरीके की गिट्टी वहीं डाली जाती है जहाँ पर सड़क का निर्माण कराया जाना हो। खेल के मैदान में अगर इस तरीके की गिट्टी डाली गई है, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी अगर गिरेंगे तो उनके हाथ पैर में ये गिट्टी चुभेगी। आप अगर नंगे पैर यहाँ पर दौड़ते हैं तो भी आपको ये गिट्टी चुभेगी, निश्चित तौर पर चुभेगी। यहाँ देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान में गैर शैक्षणिक गतिविधियां हो रही हैं, ये आपको सामने हम दिखा रहे हैं। नाली खुदी हुई, किस तरह से पन्नी फड़फड़ा रही है हवा में, हवा का झोंका और पन्नी फड़फड़ाते हुए अपने आप को यहाँ से मुक्त कराना चाहती, और इसके नीचे जमीन गीली है, इतनी दुर्गंध उठ रही है यहाँ पर जिसका
बयान करना बहुत मुश्किल है। नाली क्यों खोदी गई है ये बताना बड़ा मुश्किल है। 17 सितंबर को यहाँ पर एक कार्यक्रम का समापन हुआ, उसके बाद 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर, लगभग 6 दिन बीतने के बाद भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस भी आयोजकों को जारी नहीं किया गया है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस स्थिति में मैदान को लिया गया था उसी स्थिति में मैदान को आयोजकों को 24 घंटे के अंदर वापस करना चाहिए था। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुख्य भवन, प्रशासनिक भवन यहाँ सामने, और यहीं स्टाफ भी रहता है, कर्मचारी रहते हैं, कर्मचारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के दूसरी तरफ भी रहते हैं, और ये आपको हम आपको सामने दिखा रहे हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिवनी का मुख्य भवन, प्रशासनिक भवन यहाँ अंदर, यहीं अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, पर आप इसके अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको सेहत बनानी है तो आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ देख सकते हैं। एक यहाँ चाय का ठेला लग गया है, और यहाँ चाय के ठेले के साथ में पेड़ के ऊपर आप देख रहे होंगे, पेड़ों के ऊपर कील ठोक कर विज्ञापन टांगे गए हैं। वन विभाग को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भोपाल में इस तरीके से पेड़ में अगर आप कील ठोक कर विज्ञापन टांगते हैं तो भोपाल के का वन विभाग आपके ऊपर जुर्माना करता है। आयोजन पूर्ण होने के बाद पुलिस के स्टॉपर्स भी यहां रखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। सड़क के दोनों तरफ देखिए प्रतिबंधित पॉलिथिन आपको दिखाई दे रही होगी। प्रतिबंधित पॉलिथिन किस कदर यहां बगरी हुई है, नगर पालिका के दावे कितने सच्चे हैं, कांग्रेस नगर पालिका, ये देखिए यहाँ पर ट्यूबलाइट हमने आपको पिछली बार दिखाया था, जो लाइट को घुमा दिया गया था उसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के समाचार के प्रकाशन के बाद ठीक कर दिया गया। नगर पालिका परिषद में कांग्रेस सत्तारूढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नगर पालिका में मौन है। मौन का कारण क्या है ये तो वे ही बेहतर बता सकते हैं। यहाँ देखिए आपको हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह पॉलिथिन, प्रतिबंधित पॉलिथिन, और ये देखिए आप ये कितनी गंदगी यहाँ पर है। जो भी आयोजन किया गया था उस आयोजन के बाद आयोजकों को चाहिए था कि जगह को यथावत करके पॉलिटेक्निक प्रशासन को वापस किया जाता। जिस तरह ये देखिए यहाँ चूल्हा तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चूल्हा भी इस बात की चुगली कर रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ हुई हैं। ये आपको आजू बाजू दिखाई दे रहे होंगे, कीचड़ भी है, कीचड़ के अलावा गंदगी भी है, प्रतिबंधित पॉलिथिन भी आपको दिखाई दे रही होगी, सब कुछ आपके सामने है। शनिवार 23 सितंबर 2023 का हम नज़ारा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पेड़ों पर कील ठोक कर विज्ञापन लगाए गए हैं, जबकि ऐसा करना नियमानुसार गलत है। ये पुराना आरटीओ कार्यालय की ओर जाने वाला रास्ता, और यहीं से अगर आप बाईं तरफ जाते हैं तो आपको प्राचार्य निवास और अन्य कर्मचारियों का निवास यहीं मिलता है, और इसके साथ ही यहाँ गंदगी किस कदर है ये आपको हम दिखा रहे हैं। वास्तव में बहुत शर्मनाक स्थिति है। 2 सांसद 4 विधायक होने के बाद शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं है। सुबह सवेरे सेहत बनाने वाले अगर यहाँ जाते हैं तो उन्हें मना किया जाता है कि वे पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशासनिक भवन वाली सड़क पर ना टहलें, और मुख्य द्वार पर गंदगी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए बोर्ड जो उसका गेट है मुख्य द्वार पर किस कदर यहाँ पोस्टर्स चिपके हुए हैं। कुल मिलाकर एक पुरानी कहावत, अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली स्थिति यहाँ पर होती, चरितार्थ होती हुई दिख रही है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुख्य द्वार 1964 में स्थापना हुई। पूरा पॉलिटेक्निक का कॉलेज का खेल का मैदान हमने आपको दिखाया है, खेल के अलावा सब कुछ यहाँ होता है। हमारे पीछे आपको बहुत सारे आवारा श्वान भी दिख रहे होंगे, वाहन भी चला आ रहा है। यहाँ इस मैदान पर खेल के अलावा सब कुछ होता है। पॉलिटेक्निक के प्राचार्य का निवास हमारे ठीक पीछे, आपको निवास भी दिख रहा है, यहाँ हम दिखाएं, हमारे ठीक पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य का निवास, और यहाँ
जो भी आयोजन होते हैं, आयोजन होने के लगभग 10 दिन के लगभग 17 तारीख को यहाँ आयोजन ख़त्म हुआ और आज हम 23 तारीख को 18, 19, 20, 21, 22 और 23 6 दिन हो गए हैं और मैदान जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। जवाबदेही किसकी है? क्या प्राचार्य इसमें कुछ बोलेंगे या आयोजकों से इस मैदान को जिस हाल में था? यहाँ देखिए बजरी भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, हमने आपको दिखाया भी, बजरी पड़ी हुई है। मैदान खेलने के लायक अब नहीं बचा हुआ है। इस मामले में संज्ञान कौन लेगा, ये बात भी एक यक्ष प्रश्न बनी हुई है। सांसद विधायकों को इस बारे में बोलना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में है पर कांग्रेस भी सदा की भांति मौन ही नजर आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 581वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 582वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।